Your vision, your voice. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है FM रेनबो 102.6 कार्यक्रम एयर नेक्स्ट में। मैं हूं करण शर्मा, आज के शो का होस्ट। मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन का प्रथम वर्ष का छात्र हूं। मैं हापुड़ शहर का निवासी हूं और मैं हमेशा से एक RJ, एक रेडियो जॉकी बनना चाहता था। तो मेरे लिए तो यहाँ काफ़ी खुशी की बात है कि मैं आज इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ। मुझे कहानियाँ और कविताएँ लिखने का बेहद शौक है, लोगों को ऑब्जर्व करना और उनकी ज़िंदगी के किस्से सुनना और उस पर कहानियाँ लिखना, और मैं संगीत में भी खास रुचि रखता हूँ। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय का परिचय मैं कुछ यूँ देना चाहूँगा कि सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है, और जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, आज का हमारा विषय है एजुकेशन इन इंडिया, और मेरे साथ मेरे सहपाठी भी यहाँ उपस्थित है जो कि आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए उनसे उनका परिचय सुनते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मिध्या गुप्ता है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं एक उत्साही लेखक और एक उत्साही आवाज कलाकार हूँ। इसी के साथ मैं 13 से अधिक प्रकाशित पुस्तकों की सह लेखिका हूँ। मैं गाना सुनना, स्पोर्ट्स, कॉन्टेंट राइटिंग और इवेंट मैनेजमेंट में खास रुचि रखती हूँ। मैं देश के जाने माने युवा कैडेट समुदाय NCC की सेवा कर रही हूँ और उसी में B सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। मुझे लोगों से बातचीत करना, उनके बारे में जानना और उनसे सीखना बेहद पसंद है, इसलिए मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की फील्ड में आई हूँ। और मैं इस बात से खुश हूँ और गौरवान्वित हूँ कि आज मुझे ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से एक बेहद संजीदा मुद्दा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला है। नमस्कार, मैं स्पर्श कालरा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरी रुचि गानों में बहुत ज्यादा है, मैं शायरी और गाने भी लिखता हूँ। क्योंकि मास कम्युनिकेशन में कई अलग अलग फील्ड की नॉलेज एक ही छत के नीचे मिलती है, और मेरा सपना है कि मैं कंप्लीट टैलेंट मैनेजमेंट हाउस स्टार्ट करूं, तो यही कारण है कि मैंने मास कम्युनिकेशन चूज़ किया है। इसके अलावा मैं सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिमझिम बंसल है। मैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की निवासी हूं और मुझे गायकी और नृत्य का शौक है। मुझे अपनी बातों को सबके समक्ष रखना पसंद है, इसीलिए मैं जर्नलिज्म फील्ड में आई हूं, जिससे कि अपना करियर पब्लिक रिलेशंस में बना सकूं। और मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की बहुत बहुत आभारी हूं। नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युष रंजन है। मैं पटना का निवासी हूँ जो बिहार में स्थित है। मैं एक फोटोग्राफर और फिल्म मेकर भी हूँ, और मेरा सपना है कि मैं आगे जा करके एक अच्छा कमर्शियल फिल्म मेकर बनूं जो अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशान श्रीवास्तव है और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक निवासी हूं। मेरी रुचि स्पोर्ट्स में है। स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलना मैं बहुत पसंद करता हूं, और इन्हीं के साथ साथ मैं कुंग-फू में येलो बेल्ट भी हूं। थैंक यू आप सभी का अपने बारे में बताने के लिए। विषय को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा क्यों ना थोड़ी सी मटर गश्ती कर लें। मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में, के भागे हम या भीगे हम अकड़ में, तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो,
सेना ना ना मर्दाना ओ हो हो पकड़ दाना मैं क्या गया पासा फिर दे गई झांसा ऐ भाई मुझे फांसा चिरगुट जिंदगी यू गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में के भागे हम या भीगे हम मकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो चाहे जनाना या मर्दाना का नया पासा फिर दे गई झांसा ऐ वे मुझे फांसा तेरी ऐसी की होता सी जिंदगी मैं का नया पासा फिर दे गई झांसा ऐ वे मुझे फांसा चिरगुट जिंदगी यू नो वेलकम बैक. आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार एयर नेक्स्ट प्रोग्राम में. चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा हम सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण है. घर शिक्षा का सबसे पहला स्थान माना जाता है और माता पिता शिक्षक या गुरु माने जाते हैं. लेकिन स्पर्श, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एजुकेशन की हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका विकास कैसे हुआ. करण जी, अगर मैं शुरुआत से शुरू करूँ तो भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है. यहाँ कई तरह की शिक्षा प्रणालियाँ भी आईं जिनमें टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस भी किए गए. प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी जिसमें शिष्य जो है वो अपने गुरु के घर जाया करते थे और उनसे शिक्षा प्राप्त किया करते थे. उस समय शिक्षा को लाइफ, नेचर और अध्यात्म जिसे कहते हैं या स्पिरिचुअलिटी, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था. स्टूडेंट्स को मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री के साथ साथ संस्कृत, वेद ग्रंथ और मेडिसिन के बारे में भी पूर्ण ज्ञान दिया जाता था. ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट था उसको चार दीवारी में सीमित कर दिया गया. कई नए सब्जेक्ट्स भी लाए गए और भारत बाकी देशों के साथ विकास की रेस में जुड़ गया. पर भारत की जिस तरह आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसको मद्देनजर रखते हुए 6 करोड़ से ज़्यादा यूथ जो कि 25 साल की उम्र से नीचे है और कुल 138 करोड़ की आबादी का 28% हिस्सा जो है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है और ये रेट हाई बर्थ रेट के कारण बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में पुराना एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारी यूथ की पढ़ाई और रोजगार की जरूरतों को पूरा करने में ज्यादा सक्षम नहीं है. देश का 27% यूथ आज भी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से वंचित है, डिप्राइव्ड है
तो आज का एजुकेशन सिस्टम किताबी ज्ञान और एग्जाम्स तक ही सीमित रह गया है। सरकार ब्रिटिश के इस एजुकेशन सिस्टम को सुधार करने में टाइम टू टाइम बहुत से कदम उठा रही है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और इसी के साथ सरकार एजुकेशन पॉलिसीज भी कई समय के साथ लाई हैं, जो हमारे शिक्षा सिस्टम को बेटर करने के लिए काम कर रही हैं। तो जैसे कि हमें स्पर्श ने बताया कि ब्रिटिशर्स के लाए गए एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां थी, जिसके चलते भारत सरकार कुछ एजुकेशन पॉलिसीज लेकर आई। तो प्रत्युष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो पॉलिसीज क्या थी। जो सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी जो लागू किया गया था वो 1968 में था, और जो दूसरा था वो 1986 में था। उसके बाद उसके 6 साल बाद 1992 में थोड़े से रिफॉर्म्स आए थे एजुकेशन पॉलिसी में, उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था एजुकेशन सिस्टम पे, जिसके कारण से क्या हुआ था कि उसको रिकॉर्ड्स में लिया नहीं गया। अब तक 2021 से पहले, जब 2021 में नया एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट किया गया, उससे पहले जब तक पढ़ाई चल रही थी वो 10+2 के फॉर्मेट में चल रही थी, जिसमें क्या होता था कि 6 साल की उम्र में बच्चों का दाखिला हो जाता था स्कूल में, और उसके बाद वो ऑलमोस्ट 12 साल गवर्नमेंट के अंदर में गवर्नमेंट के लगाए हुए पॉलिसीज से पढ़ाई करती थी और उनके तरीकों से, और फिर टीचर्स को भी ऐसे ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो सब जो भी बुक्स में पढ़ाए जाते हैं चीज़ें बस उसी चीज़ को लेकर के वो पढ़ाई को कंटिन्यू करे, जिससे क्या होता था कि बच्चे 10 साल 12 साल तक बस एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज गेन करते थे और ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज या फिर अपना पर्सनल पोटेंशियल ग्रो नहीं कर पाते थे। 10 साल तक वही किताबी पढ़ाई और मार्क्स लाने की दौड़ जो होती थी वो, और उसके बाद 11वीं में जब वो पहुँचते थे 10वीं की परीक्षा पास करके बोर्ड्स के एग्जाम दे करके, तो 11वीं में उन्हें 3 स्ट्रीम चूज करने के लिए बेसिकली दिए जाते थे, जैसे कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। उसमें क्या होता था, बच्चों का पाथ और नैरो हो जाता था, वो कहते हैं ना कि एक वैक्यूम में बंद हो जाते थे कि नहीं अब इतने ही में पढ़ना है और इतने ही में जो करना है सो करना है। और इसमें भी फिर वही मार्क्स लाने की दौड़ कि अच्छे मार्क्स लाएंगे तो अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो उसमें क्या होता था बच्चे अपने सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान पाते थे और अपना पोटेंशियल ग्रो नहीं कर पाते थे। तो इसलिए अब ये नया रिफॉर्म्स आए 2021 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें नेगेटिव ही साइड थी उस एजुकेशन पॉलिसी में। काफ़ी बार ऐसा होता था कि जो बच्चे उस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पढ़ते थे उन्हें कम टाइम में भी अच्छा खासा नॉलेज वो गेन कर लेते थे और एक स्पेसिफिक फील्ड पे कमांड भी हो जाता था। ऐसा नहीं होता था कि बस नैरो पाथ ही उनको चूज करना पड़ता था, एक स्पेसिफिक फील्ड पे कमांड होना भी बहुत जरूरी है। प्रत्युष, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमें वक्त के साथ साथ चीज़ें अपग्रेड करनी होती है। और रिमझिम, मेरा आपसे ये सवाल है कि नई पॉलिसीज क्या हैं? जी शुक्रिया करण। तो जैसा कि हम सबको प्रत्युष ने नई और पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, तो हम साफ तौर से समझ सकते हैं कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को सिर्फ मार्क्स के पीछे दौड़ाया जाता था, लेकिन वहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे अपनी स्किल्स पर काम करेंगे, जिससे कि उनको एक जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक छोटे बच्चे को बचपन से ही छोटी छोटी स्किल्स पढ़ाई जाएंगी तो वो बड़ा होकर इतना स्किलफुल तो बन ही जाएगा कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल पाए। मेरे हिसाब से जो बदलाव सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होगा वो ये है कि बच्चों को अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा में उनके मनपसंद सब्जेक्ट को चूज करने का मौका मिलेगा, जिससे कि किसी पर भी ये दबाव नहीं होगा कि उसे कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम के कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स को ही पढ़ना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है वो ये है कि अब से कॉलेज स्टूडेंट्स का कोई भी नुकसान नहीं होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब बच्चे अपनी डिग्री कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं अगर किसी भी वजह से उनको ड्रॉप करना पड़े। अगर 1 साल की पढ़ाई करी तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई में डिप्लोमा और वहीं 3 साल पढ़ाई की तो पूरी डिग्री। अगर बच्चे का 4 साल का कोर्स है तो वो 1 साल और पढ़ाई करके अपना मास्टर्स पूरा कर सकता है। और आप लोगों को सबसे ज्यादा खुशी की बात ये लगेगी कि हमारे भारत में लगभग 45,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। हमारे पहले वाले एजुकेशन पॉलिसी 10+2 बेसिस पर चलती थी, लेकिन वहीं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इस पर बच्चों को 5+3+3+4 बेसिस पर चलाया जाएगा, जिसमें कि हर एक लेवल का अलग सिग्निफिकेंस है। तो हम साफ देख सकते हैं कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत थी और कितने बखूबी रूप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको पूरा कर रही है। अच्छा करण, क्यों ना लिसनर्स का थोड़ा मनोरंजन किया जाए, तो एक गाना जो मेरे दिल के बेहद करीब है, मैं चाहूंगी कि आप उसे प्ले करें। जी बिल्कुल, फरमाइए कौन सा गाना है वो। उस गाने का नाम है तुम हो और मूवी का नाम है रॉकस्टार। Oh
तुम हो पास मेरे साथ मेरे हो तुम यो जितना महसूस करूं तुमको उतना ही भाभीरूं तुम हो मेरे लिए वेलकम बैक टू एयर नेक्स्ट। और जैसे कि हम बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, मिद्या, जैसे कि अभी तक सभी चीजों के बारे में हमने जाना कि भारत में एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई, पुरानी और नई पॉलिसीज दोनों में क्या अंतर था, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। वेल करण, अगर हम पर्पस ऑफ एजुकेशन की बात करें तो सही मायने में जो लाइफ को मीनिंगफुल बनाए, जो ये सिखाए कि सीखना कैसे है, ये है एजुकेशन। एजुकेटेड पर्सन अपने पोटेंशियल को समझता है, प्लान ऑफ एक्शंस को जानता है, थॉट्स को समझता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ये होती है एजुकेशन। हम ह्यूमंस इस दुनिया के करोड़ों स्पीशीज में से एक हैं, और जो हमें सबसे अलग बनाता है वो है हमारा दिमाग। वो दिमाग जो दुनिया की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, वो दिमाग जो इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबिलिटीज में बदल सकता है। हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए जरूरत है एक वेल फॉर्म्ड माइंड की, ना कि एक वेल फिल्ड माइंड की। महाभारत तो अब सबको याद होगी, उसमें पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। सब एक ही टीचर, एक ही गुरु से पढ़े हुए, लेकिन सबकी फील्ड ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग। युधिष्ठिर भाले से लड़ने में अच्छे थे, भीम को गदा में कोई नहीं हरा सकता था, अर्जुन को तीर धनुष में महारत हासिल थी। सब अलग अलग फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज थे,
द्रोणाचार्य ने बेसिक एजुकेशन तो सबको दी पर ट्रेनिंग उनके इंटरेस्ट में ही कराई। यहाँ मुझे एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात याद आ गई कि हर इंसान जीनियस है, लेकिन अब एक मछली को जज करोगे उसके पेड़ पर चढ़ने की कैपेबिलिटी से तो सारी जिंदगी वो मछली खुद को बेवकूफी मानती रहेगी। और जाने अनजाने यही गलती इंडिया में बहुत से घरों में, स्कूल्स में और कॉलेजेस में हो रही है। अच्छा ईशान, मीडिया की बात से आप कितना सहमत है और हमारे लिसनर्स को एजुकेशन सिस्टम के बारे में संक्षेप में आप कैसे समझाएंगे? देखिए करण, मेरे हिसाब से तो एजुकेशन सिस्टम को अभी हम लोग काफी हद तक जान चुके हैं हमारे सभी सहपाठियों की बातों से, तो इसे सब मिला के हमें यही पता चलता है कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग पर बेस्ड है, जिसे हम रट्टा मारना कहते हैं। हम सभी आज नॉलेज से ज्यादा क्रेड्स के पीछे भाग रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है कि 83% ऑफ द एजुकेटेड पॉपुलेशन आज भी अनएम्प्लॉयड है। अगर हमें इसका रीजन समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। जब इंडिया में वो कंपनी सेटल हुई तो उस कंपनी को अपने यहाँ काम करने के लिए कुछ क्लर्क्स, कुछ ऐसे पोस्ट की जरूरत थी जो कि केवल डेस्क पर बैठकर काम करें, ज्यादा सवाल जवाब ना करें। तो उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया वो इसी तरीके से किया था कि जो भी हम एजुकेशन सामने वाले को दे रहे हैं, हम जो भी चीजें सिखाएंगे वो केवल एक छोटे से स्किल सेट पर ही बेस्ड हो, ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ज्यादा स्किल डेवलपिंग और क्रिएटिव ना हो। कोई भी अपनी स्किल्स पर फोकस नहीं कर रहा है और हमारी ये सोसाइटी उसे करने भी नहीं दे रही है। आज के समय में हमें ग्रेड से ज्यादा स्किल्स चाहिए टू बी कॉल्ड एज अ सक्सेसफुल पर्सन। हमारा ये एजुकेशन सिस्टम अगर बच्चों को बस एक लर्निंग एंड गिविंग एग्जाम्स की मशीन ना बनाकर अगर उनके टैलेंट को पहचान कर उस पर वर्क करे तो जरूर ये होगा कि बच्चे आगे चलकर कुछ बड़ा कर पाएंगे। बदलाव आना बहुत ही जरूरी है, वरना बच्चों के फ्यूचर को और अल्टीमेटली देश के डेवलपमेंट को ही खतरा है। इंडिया के 95% स्टूडेंट्स अपनी स्कूलिंग टाइम में एटलीस्ट 10 साल इंग्लिश पढ़ते हैं, बट फिर भी बहुत ही ऐसे कम बच्चे हैं जो कि इंग्लिश सही में बोल पाते हैं। हम लोगों को आज अपनी हिस्ट्री का भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री सिलेबस में ब्रिटिशर्स और मुगल से ज्यादा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है। हम सभी को अपने हिंदुस्तान का इतिहास तो पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शूरवीर भी रहे हैं। सभी स्कूल्स होलिस्टिक डेवलपमेंट का दावा तो करते हैं मगर होलिस्टिक डेवलपमेंट कर नहीं पाते हैं। तो अगर समझा जाए कि आज की जरूरत क्या है तो वो आज सभी को उनकी कैपेबिलिटीज और क्रिएटिवनेस के हिसाब से ट्रेन किया जाना चाहिए, ताकि हर बच्चा अपनी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड में आगे बढ़े और अल्टीमेटली देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे। बिल्कुल सही कहा आपने ईशान, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और आपकी इस बात से मेरे जहन में एक शायरी आई है जो मैं अपने लिसनर्स को सुनाना चाहूंगा कि अशिक्षित को शिक्षा दे, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं,
ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़ बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख तरह फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चल 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 नए ख्वाब बुन ले। आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुनके इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। वेलकम बैक टू ए नेक्स्ट। और जैसे कि हम बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके क्या विचार हैं हमारी मातृभाषा को लेकर। देखिए करण, हमारी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी इंडिया में बहुत ज्यादा बोली जाती है। हिंदी को भी हमें एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी। हम अगर बहुत सारे देशों का भी एग्जाम्पल लें जो कि अपनी मातृभाषा को ही सबसे सर्वोपरि मानते हैं, जैसे चाइना है, जापान है, फ्रांस है, ये देश अपनी भाषा को सबसे ऊपर रखते हैं। ये भी एक रीजन है कि वो अपने आप पर बहुत गर्व करते हैं और अपने आप के जो होलिस्टिक डेवलपमेंट अपना जो वो कंसीडर करते हैं जिस चीज को, वो चीज को वो अच्छे से ऊपर ले जा पाते हैं। और प्रत्युष, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे रिमझिम ने कहा था कि जो 5+3+3+4 की पॉलिसी अभी आ रही है, उसमें बच्चों को अब सिखाया जाएगा अपनी मातृभाषा के बारे में, रीजनल लैंग्वेजेस भी सिखाए जाएंगे। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश बोलना आज के समय में ज़रूरी है, कहीं भी कम्युनिकेट करते तो इंग्लिश की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे ईशान ने कहा कि हमें अपने मातृभाषा पे गर्व करना चाहिए जैसे और भी देश करते हैं, तो वैसे ही अब हमारे देश में भी जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट जैसे स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें अब हमें अपनी मातृभाषा पे कमांड आ जाएगा और हम और ज़्यादा उसको प्रमोट कर पाएंगे। बहुत खूब कहा आपने ईशान और प्रत्युष, हिंदी की महत्वता को लेकर आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं और ये बिल्कुल सही समय है कि हिंदी भाषा की महत्वता को गहराई से जाना जाए और समझा जाए और इसे उपयोग में लिया जाए। और इसी नोट के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं तक। ए नेक्स्ट के इस अंक में मैं और मेरे साथी आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार। ए नेक्स्ट, योर विजन योर वॉइस।